अच्छा यार, इधर एक बंदा है यार, उससे इनके ना कुछ गाड़ियाँ वगैरह बाई करनी थी मुझे ना, किसी बंदे के रेफरेंस से मैं इधर आया हूँ, ठीक है। तो उसने बताया कि इसके पास ना दो तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सस्ते में वो गाड़ियाँ दे देगा। तो अभी मैं यार इसके घर आया हूँ, अब यार बस मिल जाए ये बंदा। हेलो भाई, घर पे है कोई? हेलो हेलो भाई, लगता है यार, लगता है वो घर पे नहीं है, कहीं निकल तो नहीं गया भाई। उसने कहा था कि जल्दी चले जाना, मेरे ख्याल से कहीं निकल ना गया। हेलो भाई, कौन है भाई? कौन है? कौन पहले दे जा रहा? सर बेल नहीं थी, वो दरवाज़ा नोक किया था। हाँ जी भाई, क्या मसला है आपको? सर मसला कोई नहीं है, वो अपना भाई ने मुझे ने भेजा था आपके घर पे, वो कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तीन गाड़ियाँ। भाई इनकम टैक्स हो क्या? नहीं नहीं सर, इनकम टैक्स से तो नहीं हूँ। तो भाई क्या फिर मसला क्या है? सर आपने सेल की नहीं लगाई थी? अच्छा, अब सेल करनी है? सेल करनी है, अच्छा। हाँ, लैंड क्रूजर? नहीं नहीं सर, सेल नहीं करनी है, मैंने लेनी है तीन गाड़ियाँ जो आपके पास खड़ी हैं। अच्छा, वो तीन गाड़ी लेनी है? अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। ये सेल तो नहीं करनी? नहीं नहीं ये तो मेरे अपने इस्तेमाल में। चलिए, अच्छा, नाइस नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे यार लगता तो नहीं है, इसके पास तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ जी भाई, कुछ फरमा रहे हैं आप? नहीं नहीं मैं कुछ फरमा नहीं रहा, मैं वैसे बात करो, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं? उसने भाई ने बताया था आपके पास काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी। हाँ, मेरे पास आती रहती है, कब्जे वाली गाड़ियाँ आती रहती हैं। क्या मतलब कब्जे वाली सर? वो बस जिन लोगों को मैं कोई अपना घर वगैरह देता हूँ ना रेंट आउट पे, तो वो फिर मुझे अपना पैसे वगैरह या मेरे घर पे कब्जे कर लेते हैं, मैं उनसे गाड़ी छीन लेता हूँ। तो गाड़ियाँ कैसे छीनते हैं? यानी कि इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट्स तो इसके पूरे नहीं होंगे? नहीं 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 भाई, ऐसा बात नहीं है भाई। बात ऐसी है कि भाई मैं उनसे डॉक्यूमेंट पहले ले लेता हूँ, फिर उनको मैं अपना करता हूँ। ये देखें भाई, टोयोटा करोला खड़ी है, इसके साथ साथ माशाल्लाह से ये भी खड़ी है, ब्लैक कलर में खड़ी है, रिवर ढले खड़े हुए हैं। तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद है और आपने कितनी गाड़ियाँ लेनी है, तो वो आप मुझे बता दो, उस हिसाब से फिर हम अपना ना आपसे ढील कर लेते। देखिए, एक बंदे ने मेरे पैसे देने थे, तो इसीलिए मैंने ये वाली गाड़ी उससे अपने ले लिए। कागजात वगैरह मेरे पास सारे पूरे हैं, अब आप अपना बता दें कि आपने लेनी है या नहीं लेनी। हाँ ठीक है मैं ले लूँगा, लेकिन कोई मसले मसायल वाली गाड़ी ना हो। देखिए भाई, मसले मसायल वाली कोई भी गाड़ियाँ नहीं है, सारी की सारी गाड़ियों कागजात कम्प्लीट हैं, ठीक है, ओके है, ठीक है। आप अप्रूव भी कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन आती है, ठीक है, आप वहाँ से अपना कर सकते हैं। चलें ठीक है ठीक है। और एक गाड़ी ये भी है, ठीक है, ये एक बंदे ने मुझसे अपना घर लिया था, ठीक है, फ्लैट, तो उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और मैंने उसकी गाड़ी के ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा, यानी कि कितनी भी जन के साथ तीनों गाड़ियाँ आपके पास खड़ी हैं, आपने यानी कि उनसे ली हुई हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि ली हुई हैं। अच्छा, कोई मसला मसाइल तो नहीं? या आप कह रहे हैं कि कब्जा करके आपने ली हुई है? नहीं 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 मैं मतलब कि कागजात वगैरह पूरे लिए हुए मैंने। अच्छा, लगता तो नहीं है आपके पास इतने फ्लैट वगैरह हैं आपकी शक्ल से। देखिए भाई, मैं वैसे अपना हूँ लेकिन करीब लगते हो, लेकिन मैंने भाई काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है ना, ये अपने ज़मीनें जमीने ले के उसके ऊपर घर वगैरह दिए हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किए हैं, तो मैं ये करता था कि उनकी गाड़ियों के कागजात मैं रख लेता था, तो फिर मैं कोर्ट में जा के केस किया मैंने और गाड़ियाँ मेरे पास आ गई। अच्छा, यानी कि आपने घर नहीं लिया, गाड़ियाँ ले ली? चलिए, वोट बंदे का अपना अपना होता है ना, अब उसके ऊपर पैसा मेरे पास इतना नहीं था। क्या बात है यार, वैसे आपकी अकल को भी सलाम है मेरा। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि ये आप अपना गाड़ी कितने के देंगे मुझे? कौन सी लेनी है? वाइट करोला लेनी है, ये आपने ये अपना गाड़ी ब्लैक वाली लेनी है, ये एक तो मॉडिफाई पूरी है, ये एक बंदा था शराफत, वो नाम से ही शराफत लगता है लेकिन हरकतें उसकी बड़ी ख़राब थी। अच्छा, तो फिर? अरे उससे मैंने ले ली यार, पैसे नहीं दे रहा था तो उससे ये वाली मैंने छीन ली, सॉरी यार, वो दिखा रहा है मुझे। क्या भाई रोज़ा नहीं रखा? नहीं 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 रोज़ा माशाल्लाह से रखा हुआ है, 7 रोज़े माशाल्लाह से मैंने रखे, लेकिन वैसे ही ना अभी उठा हूँ ना तो हजम उजम हो रहा है। अच्छा, चले ठीक है यार, मुझे वैसे पसंद तो यार अभी तीनों गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा रेट बताओ ना, गाड़ियों का रेट क्या है? देखिए भाई, ज़्यादा बेस नहीं तुमसे करनी मैंने, ठीक है, करोला जो है ना वो तुम मुझसे ले लेना 25 में, ठीक है, और जो दूसरी है ये शराफत भाई वाली, ये चलो तुम 12 में ले लेना। भाई करोला 25 में दे रहे हो? भाई क्या खैर तो हो गया है, 25 में करोला दे रहे हो? देखिए भाई, बेस के बिना मैं दे रहा हूँ, ठीक है भाई, बहुत महंगी गाड़ियाँ यार, और ये क्या रीज़न है, ये कम क्यों दे रहे हो यार? क्या बात है, कैसा बंदा है, एक गाड़ी महंगी दे रहा है उसके ऊपर बहस कर रहा है, और एक गाड़ी सस्ती दे रहा है उसके ऊपर पूछ रहे कि भाई ये क्यों दे रहा है? अरे भाई मुझे बताओ ना, कोई मसले मसाइल वाली है जो 12 में दे रहे हो यार? आज तो 12 में महरान नहीं कोई मिलती। नहीं नहीं भाई, मसले वाली बात नहीं है, वैसे ही सेल नहीं हो रही मेरी गाड़ी यार, कोई ले नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सस्ते में तुम्हें दे देता हूँ। अच्छा, इस बात में यही रीज़न है, और तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं 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 भाई, और कोई इशू नहीं है। और ये वाली यार, ये तो अपना महंगी है, बहुत महंगी गाड़ी है, ये लगभग आपको 80-90 में मिलेगी। 80-90 लाख में?
हाँ जी भाई 80-90 लाख में, वैसे तो करोड़ इसका मैं मांग सकता हूँ, लेटेस्ट गाड़ी है। उस बंदे ने अपना बस ही नहीं दिया तो बस मैंने गाड़ी पर कब्जा कर लिया। यार देखें मैंने वैसे माइंड तो मेरा एक गाड़ी का था, लेकिन अब मैं तीनों गाड़ियाँ लेना चाह रहा हूँ, तो तीनों गाड़ियों का ना रेट मुकाओ ठीक है, और अच्छा रेट दो मुझे। देखिए भाई तीनों गाड़ियों का रेट 25 और 80 लाख, और ठीक है यार आप 1.5 करोड़ दे देना। अरे भाई क्या बात है, क्या पागल पागल हो गए, 1.5 करोड़ दूँ मैं? इतने ज़्यादा नहीं दूंगा, ये जो तू जिसका 25 ले रहा है ना, ये मैं तुझसे ले लूँगा तकरीबन 17-18 तक। अरे नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नई गाड़ी है भाई, इंजन चेक कर लो, हर चीज़ ओके है भाई, बिल्कुल खुला नहीं हुआ। अरे भाई तीन गाड़ियाँ ले रहा हूँ ना, ये मैं ले लूँगा तुझसे अपना, चलो फाइनल 18 में ये ले लूँगा तुझसे मैं, ये 12 में दे रहा, ये 10 में ले लूँगा, और ये थोड़ी सी तू महंगी दे रहा है यार। देखिए भाई अंडा कंडीशन है, अब ठीक कर सकते हैं। चल यार सारी गाड़ियों का ना तेरी ना मेरी, 1.20 करोड़ दूंगा मैं। नहीं 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 भाई 1.20 करोड़ नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, देख ले भाई गाड़ियाँ तेरी तीनों लेके जा रहा हूँ मैं यार। 1.20 करोड़ चलो यार, नहीं नहीं 1.20 करोड़ नहीं, तू इससे कह भाई 1.30 करोड़ दे दे, चलो ना तेरी ना मेरी 1.30 करोड़, इतना भाई दे दे यार। 1.30 करोड़ बहुत ज़्यादा है भाई, देखो कागजात वगैरह भाई पूरे दे रहा हूँ, हर चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो इतना तो भाई बनता है अब यार, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। चलो ठीक है अपना लास्ट जो है ना, ना तेरी ना मेरी 1.25 करोड़ में डील डन करो भाई अब। नहीं 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 भाई, फिर मैं इस तरह करता हूँ, गाड़ियों का टायर उतार लेता हूँ ना मैं। अरे भाई गाड़ियों को टायर उतार लेगा तो मैं क्या भाई सर के ऊपर उठा के लेके जाऊँगा? तो भाई आप भी नाइंसाफी कर रहे हैं ना मेरे साथ। चलो ठीक है यार, तू ले लेना 1.30 ही ले लेना, ठीक है ना? आप खुश है? ठीक है ठीक है, तो कागजात मुझे चाहिए ठीक है, अभी चाहिए मुझे, गिरा ना कराओ ठीक है ना? नहीं 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 गिरा नहीं कराऊंगा, अभी आप कैश लें, कागजात वगैरह ले जाएं। चलो ठीक है, मैं अभी ट्रक वाले को बुलाता हूँ, गाड़ियाँ लेके जाते हैं भाई। चलो यार यूज़ गाड़ियाँ ले ली हैं 1.30 करोड़ में, वैसे गाड़ी जो थी ना जो खड़ी दूसरी गाड़ी यार, वो तो आप लोगों को पता है 1 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन मैंने भाई तीन गाड़ियाँ इससे ले ली हैं, मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा है यार, बाकी कोई नुकसान वगैरह भी होते रहते हैं। भाई साहब कागजात मिल जाएंगे ना मुझे? जी जी भाई मिल जाएंगे मिल जाएंगे। चलो मैं अभी ट्रक वाले को बुला रहा हूँ ठीक है, और अभी वैसे थोड़ा सा अफ्तारी वगैरह का भी टाइम होने वाला है, तो वो भी मैं नहीं करनी है। अरे भाई मैं आपको अफ्तारी करवा दूँ, इधर ही रुक जाएं। अरे नहीं नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं घर जाके करूँगा। नहीं नहीं भाई अगर करनी है तो बिला तकल्लफ आप कर सकते हैं इधर अफ्तारी, मैं मंगा लेता हूँ फ्रूट चाट वगैरह और दही बल्ले, बस पैसे आप अपने से दे दीजिएगा। अरे कैसा बंदा है यार, नहीं नहीं बस आप मुझे बस ये करके दें, मैं बस जा रहा हूँ। चलिए ठीक है आप मुझे कैश कर दें, मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ। चलो ठीक है, मैं टो ट्रक को बुला देता हूँ ना, ताकि वो गाड़ी यहाँ से लेकर जाए। एक सेकेंड आप वेट करिए इधर। चलो यार इसको तो मैं अपना कैश दे दूँ, तो गाड़ियाँ जो है ना वो उठा के फिर अपना काले को या कहता हूँ, काला साहब भी भाई बिजी हैं, बैग कहाँ पड़ा है मेरा? अबे मेरी बैग इधर लेके आया था, मेरे ख्याल से पीछे रख दिया ना, मेरे ख्याल से बल्कि ये पड़ा है। ओके ये पूरा है ना, ये 2 करोड़ थे इसके अंदर, और चलो ये मैं इसे 1.30 करोड़, चलो भाई ओके ओके। चलो यार ये बैग निकाल के उसको देता हूँ, और गाड़ियाँ ना फिर शाम को अफ्तारी के बाद इससे ले जाऊँगा मैं। अच्छा यार ये भाई हाँ बैग ले लें आप ठीक है भाई, पूरे पैसे हैं ना? हाँ हाँ भाई पूरे पैसे हैं, ये 1.30 करोड़ है, और मेरा बंदा आ जाएगा ठीक है रात को, कागजात वगैरह गाड़ियों को दे दो मुझे ठीक है, ये पैसे ले लो, और गाड़ियाँ फिर अफ्तारी के बाद वो आके ना 8, 9 या 10 बजे गाड़ियाँ ले जाएगा ठीक है ना? चलिए ठीक है, बंदे का नाम बता दीजिएगा। हाँ काला नाम होगा और उसके साथ एक लड़का होगा जिमी ठीक है ना, ये दो बंदे आएंगे ठीक है ना, हो सकता है तीन बंदे भी हों, जफर भी उसके साथ हो ठीक है ना, दाढ़ी वाला। चलिए ठीक है सर, ठीक है अब बस तस्वीर मुझे व्हाट्सएप उनकी कर दीजिएगा, ये ना कोई और ही बंदा ना ले जाए इन नामों से। चलो ठीक है मैं तस्वीर भी सेंड कर दूंगा तुझे, और ये भाई कैश ले ले ठीक है भाई, गिन लिए पैसे? नहीं नहीं भाई पैसे तो नहीं गिने, वो तो अंदर जाके गिनूंगा, इधर कोई छापा छुपा मार के कोई ले ही ना जे पैसे। चलो ठीक है तसल्ली कर लेना ठीक है, पूरे 1.30 है ठीक है ना? चलिए ठीक है कागजात वगैरह मैंने फिर रख लिए ठीक है, और गाड़ियाँ फिर ले जाएगा। चलिए ठीक है भाई, ठीक है अब जाओ भाई अपना काम करो, मुझे भी करने दो। चलो ठीक है भाई, ऐसा यार बदतमीज़ बंदा है यार ये, एक तो उसे गाड़ियाँ ले रहा हूँ ऊपर से बदतमीज़ी कर रहा है यार। असल में मोहल्ला इस टाइप का है ना यार, ये मोहल्ला बहुत ही गंदा है यार, बस मजबूरी के तहत यार आया हूँ, एक बंदे ने मुझे अपना इसका दिया था नंबर, तो इस वजह से यार मैं आया हूँ, वरना मैंने भाई इधर कहाँ पर आना था, बस मजबूरी की वजह से आ रहा हूँ मैं। अपने ध्यान से यार कोई गाड़ी ना ठोक के चला जाए इधर, अभी गाड़ियाँ आ जाएंगी ना। अभी यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जो जिमी ने वर्कशॉप लिया हुआ ना, गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी करके सेल करता हूँ,
क्योंकि यार जो उधर वो वाला शोरूम है ना उधर भी अपना काम करूँगा, लेकिन ये जो गाड़ियाँ वगैरह है ना ये मैं सोच रहा हूँ जिमी का जो है ना वर्कशॉप, ठीक है, जो उसने लिया हुआ है, अब ले तो लिया है ना उसने, तो मैं सोच रहा हूँ ये तीनों गाड़ियाँ मैं उधर खड़ी करता हूँ और खुद उधर खड़े होकर ना सेल करता हूँ। और जो दूसरा शोरूम है यार वो तो अब मैं वैसे मैंने केस वगैरह तो किया हुआ है, लेकिन भाई मैंने एक बंदे से पूछा है, वो कह रहे हैं कि भाई केस तो उन्हीं के हक में जाएगा, तो ना ही पढ़ो इन चीज़ों में, पैसे अलहदा उसने लेने हैं वकील ने, 50 से 60 लाख अलहदा ले लेने केस के। तो फिर मैं पीछे ही हट गया हूँ फिलहाल की घड़ी में, लेकिन भाई शोरूम वो छोड़ नहीं रहा मैं, ठीक है, वो मेरे पास ही है, कागजात वगैरह मेरे पास ही हैं, लेकिन वैसे यार आप लोगों को पता है ना कि अभी मैं वहाँ पर बिज़नेस करना नहीं चाह रहा, अभी यूज़ गाड़ियाँ यार मैंने ली हैं, ठीक है, और अब मैं सोच रहा हूँ इन गाड़ियों का ना जिमी का जो शोरूम है ना, जो वर्कशॉप उसने छोटा सा शोरूम भी बनाया हुआ है, वहाँ पर अपना उसे सेल करता हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट यानी कि आने लग जाएगा और उसका भी काम चल जाएगा, बाद में फिर इससे भी मुकमुका कर लेंगे। अभी फ़िलहाल की घड़ी यार आज अफ्तारी भी है, ठीक है, और अफ्तारी वगैरह भी करनी है, मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना पेट्रोल पंप के ऊपर ना कुछ देगें वगैरह मंगवा लेते हैं, ठीक है, अफ्तारी के लिए बिरयानी की एक देग मैंने ऑर्डर तो की हुई है, अब देखें भाई कब तक वो देखे जाते हैं, तो एक बिरयानी की देग मंगाई है, तो वहाँ पर अपना जाते हैं। अब जाफिर से मेरी मुलाकात अभी फ़िलहाल हुई नहीं है, फ़ेस टू फेस नहीं हुई, लेकिन भाई अभी मैं जा रहा हूँ उधर ही जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे ही, तो उससे अभी फ़ेस टू फेस मैंने बात भी करनी है। कल जिमी यार बस घेड़ा करवा गया मुझे, लेकिन आज तो मैं उस जाफिर को छोड़ूंगा, लेकिन यार मैं उसे फारिग नहीं कर सकता। अबे भाई क्या कहाँ गुस्साई जा रहा है, ये बंदा बिगाड़ी है, अभी मैं उसे फारिग नहीं कर सकता, उसे रमज़ान के बाद ही फारिग करूँगा, क्योंकि अभी किसी की रोज़ी के ऊपर मैं लात नहीं मार सकता, ठीक है ना। तो अभी वो अपना अफ्तारी के थोड़ा सा बंदोबस्त कर लूँ, क्योंकि देगे वगैरह मंगाई हुई हैं मैंने, बिरयानी की देग, और इधर ही मैंने अपना देनी है, तो इधर मैं सबसे पहले पेट्रोल पंप पर आ तो गया हूँ यार, लेकिन अब जाफिर मुझे इधर मिल गया ना, तो मैं कहता हूँ उसकी परेड कर ही दूँ थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से किस्मत उसकी अच्छी है अभी तक आया नहीं है। चलो तब तक मैं इधर अंदर जाकर बैठता हूँ ना, ये भी आता है। बाकी यार मैं थोड़ा सा ना देगे शेगे मंगाई हैं, 2-3 देगे मंगाई हैं मैंने, ठीक है, वो इधर पेट्रोल पंप का यार इस्तेमाल नहीं किया था मैंने, अभी मैं सोच रहा हूँ अफ्तार भी है तो चलो यार गरीब लोगों को ना बांट दूंगा देगे वगैरह, तो चलें यार अंदर जाकर 2 मिनट बैठते हैं यार, और देगों का भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई, क्या हाल है? अरे भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है? माइकल भाई पीछे पीछे, मैं पीछे इधर लगा रहा हूँ। अरे भाई क्या बोली जा रहा है, कहाँ पर है? अरे माइकल भाई पीछे इधर सामान लगा रहा हूँ, कह रही थे। अच्छा अच्छा लगा लगा सामान तू, और अपना जाफिर आया नहीं? हाँ जी हाँ जी आ रहे हैं, जाफिर पास रास्ते में ही हैं। चलो ठीक है, मैं इधर नीचे अंदर ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है ना। चलें ठीक है जी, ठीक है। चलो देखो तो सही इसका हिसाब किताब तो देखूँ भाई, ये क्या करता रहता है कंप्यूटर पे। चलो यार यहाँ से खेचप खूचप भी ले लेते हैं ना, अफ्तारी वगैरह भी रास्ते में करनी है तो यार वो अपने थोड़ा सा मसला वगैरह बन गया था गाड़ी के अंदर, इसलिए यार मैंने ना कोई मनासा भी नहीं समझा। चलो छा तो कह रहा था इधर अफ्तारी करके जाना, लेकिन भाई पीछे से वो जमीन बैठा दिया, माइकल भाई भी आ गए। चलो भाई अब तो यार मेरे भाई दिन खराब भी चल रहे हैं, चलो एक दफ़ा गाड़ी को भी साफ करवा के चलता हूँ पेट्रोल पम्प पे। लगता है माइकल भाई भी आ गए, उन्होंने हिसाब किताब लेना है। चलो भाई गाड़ी तो उनको बैठा दूँगा, भाई गाड़ी तो मैंने अपने चाचा ने दी है मुझे, नहीं तो चलो एक दफ़ा गाड़ी वाश करवा लेते ना, इसके बाद निकलते हैं भाई। अरे गाड़ी साफ कर दो भाई, लगता है भाई देखो निकले में वो भी। चलो भाई ऐसे ही चला जाता हूँ। अरे गाइस क्या हाल चाल है भाई, सब लोग ठीक ठाक हो ना? अभी सुनने में आ रहा भाई का भाई आ रहेगा पेट्रोल पंप पे, भाई आज का हिसाब किताब ले रहे हैं। चलो भाई मैंने तो भाई अपने हलाल के पैसों से किए, हाँ यार एक दफ़ा पेट्रोल मैंने दिया था, लेकिन उसके बाद पेट्रोल मैंने नहीं बेचा है। अभी कोई इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि भाई पेट्रोल बेच रहा हूँ, मेरे 2-3 बंदे छुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भाई महकल भाई कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर पेट्रोल चोरी करता है। भाई मैंने क्या बताया ना भाई, पेट्रोल मैंने चोरी खाया भाई, एक तो सैलरी कम दे रहे थे, ऊपर से भाई अभी मैं पेट्रोल ना बेचता तो क्या करता, थोड़ा सा बेचा भाई वो भी मैं रोजी रोटी भाई रुक जानी थी मेरी भाई की। यार अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चाचा ने दी है मुझे, चाचा का बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, इसलिए भाई चाचा ने मुझे ये गाड़ी लेके दी है। सबूत भी मेरे पास है, सबूत भी उनको दे दूँगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे को हटाना हुआ भाई हट जाएंगे भाई, मुझे क्या भाई अपना दूसरा काम शेयर कर देंगे चाचा के साथ खबाड़िएगा। ऐसे गाड़ियों की सेल करता है ना भाई, वो क्या करेंगे भाई गाड़ियों के पुर्जे वगैरह भाई, अल्लाह खैर करेगा। अभी जा रहा पेट्रोल पंप पे, देखते हैं भाई जिमी ने भड़काया होगा, मुझे तो पक्का यकीन है भाई जिमी ने भड़काया ना उसे, जो खाले ने क्योंकि खाला को कुछ पता भी नहीं है यार। अभी ये जबरदस्त पहली का बच्चा बड़ा है वो, हमें कुछ कह भी नहीं सकता भाई, रोड के ऊपर इतना रश क्यों है भाई आज।
मेरे ख्याल से अफ्तारी का टाइम होने वाला है ना, इस वजह से हर ज़्यादा रश है भाई। अफ्तारी भी भाई पटेल पैम पे जाके खेलेंगे। सबसे पहले तो भाई माइकल भाई का अगर कुछ खाना पड़ेगा मुझे यार, उनको क्या कहूँगा। अबे शायद पे हो जा, तुझे पता भी था यार इतने इसने पैसे लेने थे, फिर भी तू इसके पास मुझे लेके आया। भाई यार मुझे नहीं पता था यार ये इतने ज़्यादा पैसे लेता है। अच्छा तो भाई मैंने कहा इसके पास ले के यार, यकीन करो मुझे नहीं पता था कि यार ये अपने ऊपर गाड़ी की रैप करने के इतने पैसे ले लेगा। हाँ एक तो भाई पैसे ज़्यादा लिए, ऊपर से भाई घर पे आके कह रहा है कि अपना पैसे दो। अच्छा अच्छा यार चलो छोड़ो यार, वो कोई नहीं तरह करवा दूँगा मैं। हाँ ठीक है करवा दूँगा भाई। एक तो यार पता नहीं अजीब तू मछलों में फंसा देता है, ऊपर से यार अपना रोजा मैंने रखा हुआ है और मैं अजीब यार मछले में फंस जाता हूँ। अच्छा यार तेरे मैं निकलवा दूँगा पैसे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तू कहाँ से, ये देखो ये तेरी तेरे हाल है भाई, पीछे से तू कौन निकला है। हैं यार वो मैं निकला था। हाँ तो दरवाज़ा किसने, तेरे बाप ने बंद करना था। अबे बाप पर ना चाची में, तू ज़्यादा कुछ ओवर हो रहा है यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तू कह रहा ओवर हो रहा है, तुझे पता नहीं था कि भाई साहब इतने वो पैसे लेगा तो तू मुझे इधर लेके आ रहा है। अच्छा अच्छा चलो यार टेंशन ना लो, मैं तेरे पैसे का ना बंदोबस्त करवा दूँगा कुछ ना कुछ। अच्छा चलो ठीक है आज इस दफ़ा तुझे मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं किस बंदे से यार तू लेके इधर आ गया, पूरे को पूरा यार उसने 30,000 रुपये ले लिए इसके, जो काम 10,000 रुपये का था वो तूने 30,000 का करवा के दिया है। चल कोई नहीं, होता रहता है यार इतना तो। अबे इतना भी नहीं होता भाई, तुझे पता बाप मेरा आया हुआ है भाई, वो मेरे ऊपर फुल चढ़ा हुआ है इस टाइम। हाँ तो भाई तेरी हरकतें ना, अपनी हरकतों की वजह से वो तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ऐसी हरकतें किया करना तू। शोरूम तूने भाई अपना वो कर दिया, उसे एक साल के लिए लीज़ के ऊपर दे दिया, तो भाई इसमें अब तेरी गलती है ना। हाँ ठीक है अब गलती तो है वैसे मेरी। अबे यार रोज़ा भी अफ्तार करना, जल्दी करो टाइम भाई गुजरता जा रहा है। हाँ ठीक है एक सेकंड यार, गाड़ी लगाने दो अभी, ये क्लाइंट ने अभी आ जाना गाड़ी लेने के लिए, ये पता है ना। अच्छा ठीक है, क्लाइंट ने किस टाइम करो। अबे अरे बात सुने, जी सर फरमाए जिमी सर, वो क्लाइंट जब आए ना तो ये अपना गाड़ी उसको दे रही हो ठीक है ना, और उससे तकरीबन ले रही हो 1.5 लाख रुपये। जी सर 1.5 लाख। हाँ ठीक है 1.5 लाख ले लेना। हाँ वैसे काम तो उसके 1 लाख का होने वाला था, लेकिन बस मैंने अब इस बेवकूफ़ की वजह से मैं एक्स्ट्रा पैसे उसे ले रहा हूँ। चलिए सर ठीक है जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे ही कर लूँगा। अबे चलो छोड़ो ये कम पैसे ले लो बेटा, उसने ख़राब हो जाना है भाई, ख़राब नहीं हो। चलो यार उसे अपना बता दियो ठीक है ना, तो जितने ऊपर ले सकता तू ले ली ठीक है ना। चलिए सर ठीक है और मैं जा रहा हूँ ठीक है, भूखे को अफ्तारी करवानी है मैंने। जिमी भाई मेरे लिए भी लिए ना। हाँ ठीक है क्या लेके आऊँ, मेरे लिए लिया ना अपना समोसे पकौड़े। चलो ठीक है ले आऊँगा मैं, आ जाओ। काला कहाँ पर गया हुआ है। काला भाई आजकल उठा रहा है उसके शोरूम में भाई काम कर रहा है। हाँ वो तो मुझे पता है उठा रहा है आजकल। तेरा बाप कहाँ पर शार्ट हो गया फिर से, और वो शो पता नहीं इधर पेट्रोल पंप पर गया हुआ था मेरे ख्याल से। अच्छा उधर शार्ट है आजकल। बेटे ये देख ले तू, फिर से दरवाज़ा खोल के आ गया, देख ले तू अपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा तू। अच्छा गाड़ी इधर ही लगी हुई है ना, और नहीं ये हरकतें अपनी डाल ले, फिर तू कहता है कि मैं तुझे डिलीट करता हूँ। अच्छा आराम से गाड़ी निकाल ली भाई, गाड़ी ना ठोक ली। हाँ आराम से निकाल रहा हूँ। वैसे तुझे पड़ा कितने का है ये तकरीबन पड़ गया मुझे 1 करोड़ का। सारे के सारे पैसे ज़ाया कर दिए तूने हैं। अबे नहीं जाया किए बेटा, ये अपना काम करना चाहिए ना, कब तक भाई वो शोरूम पर रहते। हाँ इसका मतलब तूने जानबूझ के सेल किया ना। अबे नहीं यार जानबूझ के नहीं सेल किया था, तुझे पता है ना। हाँ मुझे सारा पता है। अच्छा भाई मुझे बिरयानी खानी है ठीक है ना। हाँ बिरयानी, अबे भाई बिरयानी के पैसे नहीं है मेरे पास, पहले तूने इतने पैसे लगवा दिए उधर ऊपर मेरे। यार खिला देना जिमी, यार ऐसे करेगा तू अब। अच्छा खिलाता हूँ सबसे पहले अफ्तारी कर ले ठीक है, उसके बाद बिरयानी खिलाता हूँ मैं तुझे ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है खिला दियो लाजमी। हाँ ठीक है खिला देता हूँ यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है। हैं अभी ये कॉल किसकी आ रही है, अभी काली की कॉल आ रही है। हाँ उठा ले अबे यार खिला बैठ के, उठा ले काली की काली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ काले क्या कह रहे हैं। अबे यार इस भूखे को मैं अपना वो खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ, वो अफ्तारी का निजाम करने जा रहे हैं। अबे क्या हुआ अब। और यार कुछ नहीं हुआ, काला कह रहा है यार मैंने भी अफ्तारी करनी है। अच्छा अब काला भी आ रहा है। हाँ वो भी आ रहा है, कह रहा है मुझे भी आकर पकड़ लो। अच्छा भाई अब इसको भी पकड़ना पड़ेगा हमें हैं। हाँ कोई नहीं टैसे शॉर्टकट लेके पकड़ लेता हूँ यार। वो अपना वो माइकल भाई से कोई सैलरी वगैरह लेनी थी हैं, किस चीज़ की सैलरी लेनी थी तूने भाई, काम नहीं किया। अबे कौन सा काम किया तूने मुझे ये ज़रा बताइए ना, रमजान में तूने कौन सा वो शोरूम के उधर जाकर शीशे साफ किए हैं।
अबे भाई अब साफ नहीं किया तो यार रोज़े में देते हैं यार वो एक्स्ट्रा वो। अबे अच्छा अच्छा अब मैं बात करता हूँ। तो यार पापा की कॉल आ रही है, एक सेकंड यार इनकी सुन लीजिए क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जी। अच्छा चलो चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ ठीक है ठीक है। अबे क्या हो गया गाड़ी क्यों रोक दी? अबे यार तेरी सुन ली रब ने है क्या हुआ? और यार वो पापा ने बिरयानी की डेग मंगवाई है उधर पेट्रोल पंप पे, कह रहे उधर आ जाओ काले को भी लेके आ जाओ। अबे काले को रक्षा पकड़े और आ जाए उधर। हाँ काले को मैं कहता हूँ एक सेकंड कहे है वॉइस मैसेज करता हूँ। काले यार वो इंस्टाकार वो अपना पापा तुझे कॉल कर रहे हैं तो वो उनकी कॉल पिक कर ले, कोई जरूरी बात करनी है उन्होंने, बिरयानी की कोई डिगे लेके आनी तूने ठीक है ना? अबे वो सुन लेगा? हाँ सुन लेगा। अबे उसका क्या बना जाफिर का? पता नहीं क्या बना भाई, अभी मैं जा रहा हूँ पता करते क्या बना जाफिर का। भाई जाफिर भी आया हुआ है भाई आज तो सही भाई लगेगा, दंगल लगेगा इधर तो। हाँ हाँ वो तो लगना ही लगना है, दंगल डुंगल लगेगा आज सारा कुछ लगेगा। उसकी हरकतें भी ऐसी थी। भाई तू तो कह रहा था पेट्रोल चोरी करता है, भाई मैंने कब कहा था? तू नहीं बता रहा था? भाई मैंने तो नहीं कहा। भाई यार कैसा मुनाफिक बंदा, तू खुद ही तो कह रहा था वो पेट्रोल चोरी करता है, उसने गाड़ी ले ली है ये वो है। भाई बस एक बंदे ने बताया था मुझे यार। यार आज तो इधर इफ्तारी करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे भाई। हाँ तुझे खिलाता हूँ मैं आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? अजी जी ठीक ठाक हूँ। कहाँ हैं पापा और जाफी? हाँ आज परेड चल रही है परेड, आप अंदर ना जाइएगा, भाई हिसाब किताब हो रहा है। अंदर ना ये क्यों भाई, कौन सा हिसाब किताब हो रहा है? हाँ खुफिया हिसाब किताब हो रहा है, माइकल मैंने कहा किसी को अंदर नहीं आने देना ठीक है ना? चलो ठीक है ठीक है। है जिमी यार आइसक्रीम देख कौन कौन सी है। एक सेकेंड यार कौन कौन सी यार, वो अपना कॉफ़ी फ्लेवर पड़ा हुआ है तेरे पास? एक कॉफ़ी फ्लेवर देख लो भाई, शायद पढ़ाओ यार एक सेकंड मुझे देखने दो। हाँ पढ़ाओ कॉफ़ी फ्लेवर। हाँ भाई मैं तो मुँह से पानी यार, और बेटा रोजा ख़राब हो जाएगा साइड पे हो जा। एक सेकंड तो जाकर देखते रही हूँ। हाँ जिमी भाई अंदर ना जाए। अबे भाई कौन से क्या अंदर ना जाऊँ, क्या लिटाया हुआ है उसे? अच्छा अच्छा ये साहब जी। हाँ मेरा भाई सही कह रहे हैं, अब देख रहे कोई फोन अभी नहीं की हुई मैंने। अच्छा तो तेरे पास ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? ठीक है मेरे चाचा ने लेकर दिए गाड़ियाँ। अबे यार इसकी तो सही प्रेड हो रही है। अबे क्या हो रहा है? अबे तू चुप हो जा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और ये मुझे एक बंदे ने बताया तू पेट्रोल उधर सेल कर रहा था। जी अरे बंदे को मेरे मुँह पे अपन करो भाई, जो जो आपके खेल है पेट्रोल पे चोरी मैंने नहीं चोरी। हाँ एक दफ़ा पेट्रोल दिया था साथ वाले घर में, वो चाचा को दिया था बेचा था मैंने। हाँ उसके पैसे मैं आपको दे दूँगा। हाँ इसका मतलब चोर हाँ खुद अब मान रहा चोरी है ना? हाँ इसका मतलब तूने पेट्रोल सेल किया हुआ है। जी हाँ किया था भाई, मैं सैलरी का वो छिमी बैंक को सारे पैसे दे रहा था मैं, वो अब लेके घर जा रहे थे तो पेट्रोल पंप को भी चलाना था ना किसी तरह, तो इसीलिए मैं बाहर बाहर से पेट्रोल सेल कर रहा था। अच्छा अच्छा सही बहाने लगा रहा तू। देखा मैं भाई जो समझना समझ लें, नौकरी से निकालना तो निकाल दे भाई, लेकिन मैंने इस टाइप की हरकतें नहीं की। अच्छा 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 ठीक है वो तो तेरा हिसाब मैं अभी कराऊंगा, कैमरे वगैरह ऑन करता हूँ ना मैं ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा तुझे मैं निकालूँ, लेकिन रमज़ान चल रहा है ठीक है, तो तेरे से तो मैं रमज़ान के बाद मुकमुका करता हूँ, तब तक तू अपना इधर काम कर ठीक है ना? लेकिन भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है भाई। अच्छा अच्छा तो ये पेट्रोल फिर किसने भी इतना ये कैसे मार्जिन पूरा करेगा ये पेट्रोल का? मेरा भाई वो तो मैं खरीद दूँगा, आप टेंशन नहीं लें, मैं सैलरी ना दीजिएगा मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो तुझे मैं अभी फ़िलहाल रोज़ों की मैं तो दूंगा, उसके बाद तेरे से मैं हिसाब किताब करता हूँ ठीक है ना? है ठीक है ठीक है। अबे क्या हो रहा है अंदर भाई? अबे मान गया भाई पेट्रोल कह रहा कि भाई चोरी करता था। है मान गया? अबे तू तो कह रहा था कि वो अपना वो चाचे को देता है। अबे मैं भी अरे क्या खुसल मुसल कह रहे हैं, मुझे भी ज़रा बताओ ना यार, मुझे ये सच सच बताना ये पेट्रोल अपना चोरी करता था। है चोरी चोरी बताओ चौधरी, सही तरह बताना तूने। पेट्रोल तो मेरे तो नहीं ख्याल से करता होगा भाई, मुझे नहीं कुछ पता। हाँ तू भी अब उसके शार्ट मिला हुआ है ना, चलो कोई नहीं अभी परेड उसकी हो रही है ना बाहर में, बेटा ट्रेन से भी शार्प लेना उन्होंने, ये सिगरेट शूटर छूटे छूटे डन हिल के ये मार्बल के जो पी रहा होता है ना भाई। हम भाई अपने पैसों से पी रहा होता हूँ ठीक है ना, ये सांप कितना भी पंचियाँ रखी हैं मैंने ठीक है, सांप मैं पुना पुना करके उनको देता हूँ। अबे जेमी छोड़ दो यार, क्यों बहस करी जा रहा है? अरे नहीं नहीं भाई शक करें, हमारे पर भी शक करें, मर्जी है भाई। अबे चलो ठीक है ठीक है। अबे जिमी तू चुपेड़े खा लेगा मुफ्त की इससे। अबे यार वैसे मैंने गलत किया। अबे जिमी उसने तुझे लटा लटा कर मारना है, तू बेटा उसके ऊपर क्यों शक करी जा रहा है? अबे मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अबे तेरे उसे चुपेड़े करवा देनी है भाई, अफ्तारी का इंतजाम कर ले, फ्रूट शूट चाट बनानी है भाई, जा लेके आ। हैं मैं लेके आऊँ?
चल आजा लेने चलते हैं आईटी डेर, वो भी अपना शॉप टॉप कर लेंगे। और कहाँ से रमज़ान बाज़ार चलते हैं उधर? अबे नहीं, रमज़ान बाज़ार बहुत दूर है यार, किसी दिन चलेंगे यार, प्लान करते हैं। बेटा अगर तूने फिर से घेड़ा घूड़ा करवाया तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे नहीं यार, नहीं करवाता। और ये दरवाज़ा तूने फिर से खोला तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे नहीं खोलता भाई, क्यों भाई इतना क्यों रहा है? अबे भाई जिब्रानी की देख भी आ रही है तेरा भाप भाई, खेजे से बांट रहे। अबे मुझे क्या पता भाई क्यों बांट रहा है, गरीबों को मैं शेर बांट रही होंगी। हाँ हाँ, हम सबसे बड़े गरीब हैं यार। चलो इधर मैं लगा लेता हूँ, इधर से एक फ्रूट वाला आटा, उससे फ्रूट लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है। यार मैं कह रहा मैकडोनल्ड में अफ्तारी करवा दे, अभी चुपेड़िया करवाऊँगा बेटा। बैन है अभी टेढ़ी हरकत है बेटा, स्टूडेंट नहीं है तू, फिर से दरवाज़ा खोल दे तूने। अबे सॉरी यार जिमी, भूल गया था मैं। बेटा तू इधर गाड़ी के पास खड़ा हो, मैं लेके आया। अजीब जाहिल बंदा यार ये भी। अबे यार ये काला कहाँ पर रह गया, इतना रश लगा हुआ है, अभी तक बिरयानी की देख नहीं लेके आया। और अफ्तारी का टाइम भी हो गया भाई, 6 बज गए और पता नहीं काले साहब कहाँ पर हैं। सेकंड इसको कॉल में कर लूँ, एक सेकंड यार, नंबर कहाँ गया काले का? अबे यार, अबे यार फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? इसे मैंने कहा भी था कि यार जल्दी जल्दी ले आई, लोगों का रश लगता जा रहा है इधर। हेलो काले यार, कहाँ पर रह गए? इधर लोगों का रश लग गया भाई, तू देख नहीं लेके आया अभी तक बिरयानी की? अबे भाई कोई टैक्सी वगैरह कर ले, कुछ कर ले भाई, कोई रक्षा वगैरह करके लेके आ जा, जल्दी कर। 20 मिनट रह गए यार रोज़ा खुलने में, जल्दी कर भाई जल्दी कर। अजीब है यार, कह रहा कोई चीज़ नहीं मिल रही। अबे मिलनी भी कहाँ है यार, अफ्तारी का टाइम हो रहा, सब लोग भाई घर भाग रहे होते हैं इस टाइम तो। यार लोगों का काफ़ी ज़्यादा यार रश लग गया इधर तो। अभी पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे। अरे भाई पीछे रहो। अबे क्या कर रहे हो आराम से भाई साहब, आराम से। नहीं भाई हमें दे दो बिरयानी दे दो भाई, इतनी देर का खड़ा किया हुआ है। हैं अबे सर आ रही, बस थोड़ा सा वेट कर लें। अरे क्या वेट कर लें, इतनी देर का वेट हम कर ही जा रहे हैं भाई। सही कह रहे, इतनी देर का वेट कर ही जा रहे हैं, अभी तक बिरयानी नहीं आई आपकी। सर आ रही, आ रही है भाई, लगता है ये सब लोग भूखे ही आते हैं। रक्षे वाला भी नहीं मिल रहा, कोई गाड़ी वाला भी नहीं मिल रहा, रोक नहीं रहा। अरे भाई बिरयानी की देख। अबे ओए ओए सूटा, पीछे पीछे जा, पीछे कर। देख ना बिरयानी की देखे, उसके ऊपर सूटा लगाई जा रहा है, तू है शर्म नहीं आती? एक तो रोज़ा नहीं रखा हुआ, ऊपर से भाई बिरयानी के देखे देखे जा रहा है। तो यार ये देखो भाई, मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है, लेकिन यार 10 मिनट रह गए, अब मैं क्या करूँ यार, कोई रिक्शे वाला नहीं आ रहा भाई। अबे आ जा, ओए तू साइड पे हो जा, फिर साइड पे हो जा, इधर इधर ना, दफा हो जा यहाँ से, जल्दी दफा हो। अबे भाई रिक्शे वाला आ जा कोई यार। यार क्या करूँ, अभी तो कस्टमर भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या ये कस्टमर का, पता नहीं यार क्या बनेगा यार, फिर करना है, कस्टमर भी नहीं मिल रहा। क्या बैठे रक्षे वाले, रक्षे वाले, रक्षे वाले भाई, है ना भाजी जी, है ना यार भाजी जी, ये खसरा निकले। अरे रक्षे वाले, रक्षे वाले, अरे वो रक्षे वाले, रक्षे वाले भाई, अरे रक्षे, हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी भाई, अरे अरे रक्षे भाई यार, ये देखे लेके जानी है यार बिरयानी की। अरे भाई आजी 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 आजी, देखे देखे अंदर, हाँ जी भाई साहब, आजी आजी बैठे बैठे। अरे भाई साहब देखे कैसे रखनी है? अरे भाई देखे रख लेते, अब गए रक्षे में बैठे, रक्षे में। अरे भाई जल्दी जल्दी करो यार, अपना अफ्तारी करवानी है। अच्छा अच्छा भाई जान, अभी अभी लेके जे नहीं, आपको शूटू शूटू लेके जाएंगे यार। रक्षा थोड़ा सा तेज चला लो भाई। भाई ये रक्षे की यही स्पीड होती है, आपको मैं क्या बताऊँ, यही स्पीड है। अरे यार ये लेट करवाएगा मुझे, मैं चले से सिर्फ घे पे अफ्तारी करवा रहे। अरे यार बस वो गरीबों में बस करे। अरे माशाल्लाह, देखिए बिरयानी की है ना? हाँ नजर नहीं आ रहा बिरयानी की, देखी है? नहीं नहीं सर, वैसे पूछ रहा हूँ, सर जी मुझे मिल जाएगी ना? देखिए मैं मतलब कि चावल, हाँ मिल जाएंगे, देखिए नहीं मिलेंगे चावल मिलेंगे। अबे भाई ध्यान से चला, क्या कर रहा है? अरे नहीं सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली वो अचानक से ठीक कह गई ना, तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि कट करवाता हूँ। अबे कट करवाता करवाता कहीं ऊपर का टिकट ना करवा दी मेरा। अरे भाई भाई, अरे आराम से भाई, देखिए गिर जाएगी। अरे 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 भाई क्या निकल ले भाई, तो जाहिर लोग ना। अरे काले जल्दी आ जा, जल्दी आ यार। आ गया माइकल भाई, आ गया। अरे जी सर, आजी आजी। अरे शुक्र है यार। अबे काले यार जल्दी से देख के निकालो यार। अरे एक सेकंड माइकल भाई, मैं अभी देख के निकालता हूँ। अरे भाई साहब ये देख गया तो निकालना। अच्छा अच्छा भाई, अभी निकलते हो, अभी निकल के देता हूँ। चलो यार माइकल भाई ये देख के आ गए, तकसीम करें फिर। अबे हाँ यार लोग भाई काफ़ी देर का वेट कर रहे हैं यार। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, चावल तो काफ़ी अच्छे बने हैं। अजी जी माइकल भाई, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। चलो ठीक है यार, लोग काफ़ी देर का वेट कर रहे हैं। अरे भाई साहब क्या भी दिलाओगे छावल? अरे सर जी आगे आगे आगे, बस आप वेट कर लें थोड़ा सा। अरे माइकल भाई डालना स्टार्ट करूँ मैं? हाँ हाँ काले, इस तरह करना प्लेटों में डाल डाल, जल्दी कर, लोग थोड़ा सा और भी इकट्ठे हो रहे हैं, जल्दी जल्दी ना प्लेटों में डालो, ठीक है ना? अजी जी माइकल भाई, बस मैं डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर लोगों को देते हैं। हाँ हाँ जल्दी आ, जल्दी आ।
चलो यार शुक्र है यार सब लोगों को यार दे दिए। जी जी माइकल भाई सब लोगों को दे दिया। जी जी मैं अभी सही बोला सही बोला। अरे तू तो चुप कर ले भाई तेरा गले में क्या है भाई। जी अभी कुछ नहीं है कुछ नहीं है। चले यार आ जाओ तुम लोगों को आज खाना खिला देता हूँ ठीक है। तुम लोगों ने आज बहुत काम किया। माइकल भाई किस खुशी में अब देखिए अपने तकसीम कर रहे थे। वैसे यार ये अपना तुझे पता है रमज़ान की वजह से यार मैं कर रहा था, मैं गरीबों में थोड़ी सी अफ्तारी वगैरह यानी कि कर दूँ यार। अच्छा 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 सर माशाल्लाह सही है सही है। वैसे अब कहाँ पर जा रहे हैं? अभी यार तुम लोगों को खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो यार तुम लोगों को अच्छा खाना भी खिला देता हूँ। अरे वाह 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 माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्लाह और बरकत दे। तू अब शुरू कर ले दुआएं देने लगी अब। अबे अच्छा अच्छा तू चुप रह तू बेटा, तेरे से तो मैं ना ईद के बाद ना मुकमका करूँगा। जी जी पापा इसके ना बाद में पूछेगा, इसे पूछेगा ये सारे शॉप कटा लीजिएगा।